यहाँ बाढ़ वाला से तो हम लोग का दिक्कत मिल बा बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का खेत में पानी बढ़ जाता है और खेत के कारण हम लोग का धान नहीं हो पाता है। स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। स्कूल कहाँ जाती है? प्रोजेक्ट इटाढ़ी। तो इटाढ़ी जाती है कैसे? नाव से जाते हैं। अभी कैसे जा रही है? नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाई चल नहीं रहे उस तरफ। एक गांव नहीं, साईपुर, अतरौना, देवस्थापुर, इस गांव से रूट से सभी आदमी जाते हैं। उन लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत है ये है कि बच्चे हम लोग के जाते हैं तो BDO साहब CO साहब कल आए थे हमारे गांव में नाव चलाने के लिए, मना कर दिया कि एक आदमी अगर डूब जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। सबसे तो पहले बाढ़ आता है तो हम लोग को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। नुकसान में जितना हम लोग का रोप सोप है सब डूब जाता है। जितना हम लोग का धान का रोपनी हुआ है कम से कम 200-300 बीघा डूब जाता है। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ गया, कोई भी सामान लेना है, साग सब्जी खरीदना है, ये समस्या अब बहुत है। हम लोग अब मतलब कि ये नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग मार्केट जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं और ना ही कोई अपना काम कर सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांव के सड़कों को अपने प्रखंड तक जाने के लिए मेन सड़क से जोड़ना है, जबकि बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड के अतरौना पंचायत के अतरौना गांव में 25 सड़क है जिस पर हर साल बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, जिससे वहाँ के लगभग 12,000 लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। लगातार 80 से अब तक मैंने पुल के लिए मांग करते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के कार्यकाल में पुल का मांग तो हम लोगों का पूरा हो गया। कुछ अड़चन के चलते और परेशानी के चलते पुल नहीं बन सका। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस अतरौना गाँव के जो कच्ची सड़क पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, उनके अधिकारी DM का नंबर 06183 222336 पर कॉल कर मेरी मदद करें, ताकि यहाँ के लोगों का आना जाने के लिए ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। मैं ममता, जिला बक्सर, बिहार, IndiaUnheard के लिए।